हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पर। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई और आरबीसी क्लास 10 एंड 12 एग्जाम रिजल्ट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आरबीसी एग्जाम रिजल्ट की डेट घोषित कर दी गई है, जिसके अंदर दोस्तों पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। क्या कुछ दोस्तों डेट है और दोस्तों कब तक रिजल्ट आएगा, कैसे आप इसको देख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10 एंड 12 रिजल्ट को, क्योंकि दोस्तों इसको लेकर बहुत ही अच्छी अपडेट सामने आई है दोस्तों। बहुत ही आप कह सकते हैं दोस्तों इसको अच्छी अपडेट है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ देर के अंदर आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखते रहिए, और उस वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो वीडियो को एंड तक देखिए, और चैनल को पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो दोस्तों, बिना किसी और बात किए सीधे बात कर लेते हैं कि राजस्थान के अंदर आरबीसी क्लास 12 का रिजल्ट कब आएगा। क्योंकि दोस्तों कल शाम को यानी लगभग 10 बजे के आसपास गोविंद सिंह डोटासरा ने यहाँ पर जो ट्वीट करके जानकारी दी है कि रिजल्ट कब तक घोषित किया जाएगा। साथ ही गाइस, आप इसको कैसे देख सकते हैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, पूरा इजी तरीका आप सभी को यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि आरबीसी क्लास 12 का रिजल्ट को लेकर क्या कुछ कहा गया है। तो गाइस, आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों एजुकेशन राजस्थान, दोस्तों इसकी तरफ से ट्वीट आया है। यहाँ पर लिखा है कि दिनांक 24 जुलाई 2021 शाम 4 बजे, यानी दोस्तों 24 जुलाई 2021 शाम 4 बजे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी कक्षा 12वीं के विज्ञान, वाणिज्य एवं कला, यानी दोस्तों 12वीं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों वर्ग के परिणाम जारी करेंगे। यानी विज्ञान, वाणिज्य और कला तीनों के परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। इस दौरान राज्य में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर डीपी जारोली भी मौजूद रहेंगे। सो गाइस, ये कल 4 बजे यानी दोस्तों आज होगी 22 जुलाई, कल नहीं दोस्तों परसों 24 जुलाई को शाम 4 बजे रिजल्ट घोषित किया जाएगा, जिसके अंदर दोस्तों तीनों वर्ग यानी विज्ञान, वाणिज्य और कला तीनों वर्ग का परिणाम जारी किया जाएगा। इसके अंदर दोस्तों विज्ञान के जितने भी यहाँ पर जो मैथ्स है, बायो है और जो एग्रीकल्चर, सबके दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट है वो घोषित किए जाएंगे। साथ दोस्तों वाणिज्य और कला तीनों के दोस्तों यहाँ पर जो रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे वो दोस्तों दिनांक 24 जुलाई 2021 शाम 4 बजे। उसके बाद गाइस, 10वीं के रिजल्ट को लेकर यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया है। तो गाइस, 10वीं का रिजल्ट कब घोषित करेंगे उसके लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी तरह की अपडेट नहीं है। तो जैसे कोई अपडेट आएगी मैं आपको जरूर से अपडेट करके बताऊंगा। और दोस्तों पिछले कई दिनों से कहा जा रहा था कि 10वीं का रिजल्ट पहले आएगा और 31 जुलाई को 12वीं का रिजल्ट आएगा, लेकिन दोस्तों इसमें चेंजेस कर दिए। मैंने आपको बोला था क्या कुछ चेंजेस होता है, मैं आपको जरूर से बताऊँगा। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर चेंजेस कर दिए गए हैं। तो दोस्तों चेंजेस के बाद मैंने आपको ये वीडियो बनाकर बता दिया। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको हमारे चैनल पर हमेशा मिलती रहती है। उसके बाद अगर दूसरी बात करें तो सीबीएसई क्लास 10 एंड 12 के रिजल्ट को लेकर, तो दोस्तों सीबीएसई क्लास 10 एंड 12 के रिजल्ट को लेकर कहा जा रहा है, बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर खबरें ये भी आ रही है कि रिजल्ट आज घोषित किया जाएगा। दोस्तों आज है वो सीबीएसई क्लास 12 एंड 10 का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। और दोस्तों बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं कि कब रिजल्ट घोषित किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इसके बारे में दोस्तों। तो आपको बता दें दोस्तों सीबीएसई क्लास 10 एंड 12 रिजल्ट के बारे में क्या कुछ कहा है। दोस्तों सीबीएसई क्लास 10 एंड 12 रिजल्ट को बार बार डिले किया जा रहा है, कितनी बार डिले कर दिया इसको आप भी देख सकते हैं। पिछले कई महीनों से 2 महीने हो गए लगभग डिले करते हुए, आज से 2 महीने पहले रिजल्ट घोषित कर दिया जाना चाहिए था सीबीएसई ने पहले जो बात कही थी। लेकिन दोस्तों सीबीएसई ने स्कूलों को बोला था कि आप जो मार्क्स है वो जल्द से जल्द अपलोड करें, कोई स्कूल ने मार्क्स अपलोड नहीं करे। सीबीएसई ने उसको किसी भी तरह का जो सज़ा नहीं दी, लेकिन सीबीएसई ने उनको आगे डेट बढ़ा दी। इसका मतलब दोस्तों स्कूल वाले गलती करते हैं तो उनको छूट मिल जाती है, इस कारण से यहाँ पर जो रिजल्ट है उसको डिले किया जा रहा है, क्योंकि पूरे तरीके से मार्क्स अपलोड नहीं हो रहे। अपलोड नहीं होने के कारण यहाँ पर जो छूट मिल रही, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो समय पर मार्क्स अपलोड नहीं कर पाए और सीबीएसई ने उनको छूट दे दी, और दोस्तों वो स्कूल अभी भी मार्क्स अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका दोस्तों क्या कुछ रीज़न है वो सीबीएसई जानता है। सीबीएसई क्यों नहीं घोषित कर रहा है रिजल्ट इसको लेकर पता नहीं। सो गाइस, यहाँ पर सीबीएसई क्लास 10 एंड 12 रिजल्ट घोषित करने के बारे में किसी भी तरह के दोस्तों कोई भी डेट फिक्स नहीं की गई है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आरबीसी का रिजल्ट जल्द आने वाला है, सीबीएसई से पहले आने वाले को लेकर कहा था दोस्तों, देख सकते हैं सीबीएसई से पहले रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अब दोस्तों आरबीसी का, सीबीसी का दोस्तों पता नहीं कब आएगा, उसको लेकर किसी भी तरह की डेट जो अभी तक फिक्स नहीं है। हाँ, जैसे ही कोई डेट कंफर्म होगी तो मैं आपको जरूर से कंफर्म करके बताऊंगा। अगले वीडियो में मिलता हूँ दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।